किट्टी खदान क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी की स्टोर रूम का ताला तोड़कर तांबे का तार लोहे के एंगल चुराने वाली एक कबाड़ी सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम योगेश उर्फ लक्की मेशराम शाहू, उम्र 25 साल, साई बाबा नगर खरबी वाटोड़ा निवासी है और राजू भवरी, उम्र 22 साल, रामटेके नगर झोपड़पट्टी अजनी निवासी है, तो एक आरोपी फरार है। ऐसी जानकारी किट्टी खदान थाने की पुलिस उप निरीक्षक दत्ता पेंडकर द्वारा दी गयी। पुलिस पूछताछ में योगेश शाहू से चोरी के 8 मामले उजागर हुए। आरोपी राज भवरी कबाड़ी है। योगेश और नितिन रेवड़िया से चोरी का माल लेकर राजू से ठिकाने लगाता था। पुलिस के अनुसार मानव सेवा नगर निवासी आलोक अग्रवाल काटोल रोड स्थित सीपीडब्ल्यू कॉलोनी की स्टोर कीपर है। उन्होंने अज्ञात चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर तांबे की तार, लोहे के एंगल सहित करीब 2,20,000 रुपए का माल चोरी होने की शिकायत गिट्टी खदान थाने में दर्ज कराई थी। पश्चात पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी योगेश शाहू को हिरासत में लिया। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन मध्ये 335/2021 कलम 457, 380, 461 असा एक गुन्हा सीपीडब्ल्यूडी कॉलनी क्वार्टर जे सरकारी कार्यालयामध्ये सीपीडब्ल्यूडी कॉलनीमध्ये जे क्वार्टर्ससाठी जे सामान वगैरे वितरित करण्यासाठी वायरचे बंडल वगैरे जे ठेवण्यात आले ते गोडाऊन होतं, त्या ठिकाणी आरोपींनी मागे 18/17/5/2021 रोजी त्यांनी गोडाऊनचं लॉक तोडलं। लॉक तोडून तेथील की वायरचे 14 वायरचे बंडल आणि लोखंडी अँगल हे चोरून नेले होते। त्या अनुषंगानं मान्य वपुनी साहेब आणि मान्य DCP साहेब मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा आम्ही तपास सुरू केला। त्यामध्ये काही CCTV फुटेज वगैरे आम्हाला प्राप्त झाले होते। त्यावरून CCTV फुटेजच्या आधारे आणि तसेच की मागील की क्राईम रेकॉर्डवरील जे रेकॉर्डवरील जे आरोपी आहे त्यांचा आम्ही तपासासंबंधानं की चालणी केली। त्यावरून आम्हाला त्या ह्याच्यामध्ये गुन्ह्यामध्ये एक क्लू भेटला। त्यावरून आम्हाला की यातील जो खरबी वाठोडा येथील राहणारा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे योगेश उर्फ लकी रमेश शाहू हा राहणार खरबी साईनगर साईबाबा नगर ह्याच्या येथील राहणार आहे। याच्यावर नागपूर शहरामध्ये विविध पोलीस स्टेशन अंतर्गत जवळपास 48 ते 50 गुन्हे दाखल आहेत। नमूद गुन्ह्यातील आरोपीची मोडस ऑपरेटिंग अशी आहे, सदर गुन्ह्यातील आरोपी हा प्रत्येक वेळेस की हा जेथे नवीन निर्माणाधीन जे बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन वगैरे चालतं किंवा ज्या ठिकाणी वायरचे ज्या ठिकाणी गोडाऊन्स आहेत किंवा ज्या ठिकाणी ज्याचं इलेक्ट्रिक वायरचं सौदा ज्या ठिकाणी काम चालतं त्या ठिकाणी तो जातो आणि त्या ठिकाणचं वायर बंडल चोरून त्याचे ते त्यातील जो तांबा वगैरे निघालेला आहे तो इतर नागपूर शहरातील इतर भंगार विक्रेत्यांना विक्री करत असतो। अशी त्याची मोडस ऑपरेटिंग होती। आम्ही त्याला सदर गुन्ह्यामध्ये आम्ही त्याचा 5 तारखेला आम्ही त्याला अटक केली। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की। योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया। आरोपी योगेश और राजू करीब 1.5 साल से फरार थे। राजू से तांबे का तार जब्त किया गया है। उपायुक्त विनीता शाहू व सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने कार्रवाई की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।